आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आगामी 4 मई और 11 मई यानी दो चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में लाला लाजपत राय वार्ड के आम आदमी पार्टी से पार्षद उम्मीदवार रोली श्रीवास्तव से प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखते हैं उसके कुछ अंश। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपके प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हां, निकाय चुनाव के बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी जोरों से उसे तैयारी कर रही है और इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। इस बार लाला लाजपत राय वार्ड में रोली श्रीवास्तव जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। मैम, निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी आप आम आदमी पार्टी से लाला लाजपत राय में वार्ड में आप प्रत्याशी घोषित हुई हैं, तो इस बार आपका क्या एजेंडा रहेगा, निकाय चुनाव में किस तरह से तैयारी कर रही हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं तैयारी हमारी पूरी जोरों शोरों से है और हमारा एजेंडा जो हमारी पार्टी का रहा है, जो वो काम करते हैं कि हमें आम जनता की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, हमें उनको दूर करना है और अपने क्षेत्र का विकास करना है। मैम, आपने कहा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको मैं सुधारना चाहती हूँ, तो ऐसे क्या क्या आप वार्ड में जा रही होंगी, अभी देख रहे हो क्या क्या समस्याएँ हैं रोज़मर्रे में? मैं अभी तक तो मैं खुद ही वोटर रही हूँ, तो मेरी जो पर्सनल जो मेरा खुद का अनुभव रहा है और जनता का जो रहा है, जो मैं जा रही हूँ कि हाँ पार्क हैं तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों के बच्चे जो होते हैं वो सड़कों पे खेल रहे हैं, पार्क होते हुए भी लोग बच्चे सड़क पे खेलते हैं क्योंकि पार्क गंदे पड़े हुए हैं, कोई विकास नहीं है, कोई सफाई नहीं है, तो हमें पार्कों का सुंदरीकरण करना है, सफाई करवानी है, सड़क नाली का निकास सही हो, लोगों के घर में पानी ना भरे वो सही कराना है, और शिक्षा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, जो ज़रूरतमंद हैं बच्चे हैं वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर जैसे आपने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और भी सारी पार्टियां थे, तो क्या आपको इसमें ऐसा क्या इस पार्टी में खास लगी जो आप इस पार्टी से आप आने की सोचे, ऐसा क्या इस पार्टी में अलग आपको लगा? देखिए, बहुत सी पार्टियां आई हैं, रही हैं, हैं भी, लेकिन जो हमारी पार्टी का है, जो केजरीवाल सर जी का काम रहा है, वो वही है कि आम जनता की आम समस्याओं को उन्होंने दूर किया है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और इसीलिए वो दिल्ली में इतने सालों से उनका रहा है, वो हैं, क्योंकि उनके काम लोगों की रोज़ की ज़िंदगी को बहुत उन्होंने सुधारा है, सही किया है, सहयोग है उनका, तो हमारा भी यही है कि हमें लोग जो रोज़ झेलते हैं दिक्कतें वो ना हों। जैसे आपके जो पार्टी वो हमेशा शिक्षा, बिजली और तमाम ऐसे चीज़ों पे जो हमारी है जरूरत की चीज़ों पे बात करती है, तो आप भी जाती होंगी अपने वार्ड में, ऐसे देखती हूँ तमाम जो परेशानी होती है शिक्षा के लिए, कि बिजली के लिए, नाली, तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपको लेके? देखिए, यही है कि जो लोग झेल रहे हैं वो ना झेलें, यही एजेंडा है हमारा कि जो लोगों को समस्याएँ हैं, चाहे वो स्कूल से संबंधित हों, चाहे वो पार्क से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, वो उन्हें समस्या ना हो, यही हमारा एजेंडा है। अगर आपको इस बार जनता आपको इस वार्ड के जो चुन के ला रही है, तो आप क्या करना चाहेंगी, किस तरह से अपने क्षेत्र का जो दिशा है वो बदलना चाहेंगी, क्या क्या नया नवीकरण करना चाहेंगी कुछ इसके बारे में? देखिए, नया करने की तो ज़रूरत है, लेकिन जो पुराना बना हुआ है पहले उसको तो सही किया जाए, जो हमारे अधिकार के अंतर्गत आती हैं चीज़ें वही जनता को अगर पूरी तरीके से मिले तो ही बहुत विकास होगा, हो सकता है जो कि नहीं मिलती है, कि जो चीज़ें जो एक पार्षद के अधिकार के अंतर्गत आता है कि लोग उस सुविधाओं को लोग पाए, लोग उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी हो, या तो वो अभी तो नहीं मिल पा रहा है जो समझ में आता है, तो जब अगर मैं होती हूँ तो मैं उनकी समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करूँ। क्या लग रहा है, आप वार्ड में जा रही होंगी, दौरा कर रही होंगी, बातें कर रही होंगी जनता से, क्या लग रहा है जनता आपके साथ है, क्या आपको ऐसा देख के कुछ लगा? देखिए, जनता भी कहीं ना कहीं अब परेशान ही है कि उन्होंने भी सबको देख ही लिया है
और यही होता है कि लोग यही कहते हैं कि भाई सब जब होता है वोट मांगने लोग आते हैं और उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, कोई कार्य नहीं होता है, तो जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो अगर लोग अब यही है कि भाई एक मौका दीजिए, तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। तो ये थी हमारे साथ लाला लाजपत राय वार्ड से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के रोली श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि मुझे एक मौका दीजिए और मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बदलना चाहती हूँ, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे भी मैं सुधार लाना चाहती हूँ, और देखते हैं कि अगर इनको जनता चुन के लाती है तो ये लाला लाजपत राय में मैम क्या चेंज करती हैं। और भी आगे हम तमाम जो प्रत्याशी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। तो अब तक वोट डालने वाली रोली श्रीवास्तव अब आम आदमी पार्टी से पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उन्हें जनता का वोट मिलता है तो वह अपने क्षेत्र में विकास कराएंगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पहले पुरानी चीजों को ठीक कराना जरूरी है, उसके बाद हम नई चीजें बनवाने पर काम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले हम अपनी पुरानी धरोहरों को संजो करके रखेंगे, उसके बाद ही कुछ हम नई चीज का शुरुआत करेंगे। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।